वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ, जो कि एक मैजिकल स्टोरी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सुंदर लड़की की एंट्री से, जिसका नाम यूबिन है। उसे देखकर उसकी क्लास के लड़के आपस में उसकी ब्यूटी की तारीफ करते हैं। तीन लड़कियाँ भी आपस में यूबिन के बारे में बातें कर रही होती है। एक लड़की बताती है कि यूबिन इंस्टाग्राम पर अभी कुछ टाइम पहले ही मॉडल बनी है। बाकी दोनों लड़कियां कहती हैं कि काश हम भी यूबिन जैसी सुंदर होती। नेक्स्ट सीन में हम उन लड़कियों को एक लड़की को बुली करते देखते हैं, जिसका नाम यूनही होता है। यूनही उन लड़कियों के लिए उनकी फेवरेट ब्रेड नहीं ला पाती, तो उनमें से एक लड़की उसे मारने वाली होती है। लेकिन तभी एक लड़का आकर उसे रोकता है। इस लड़के का नाम योंगजी है। वो उन लड़कियों से सारी ब्रेड ले लेता है। फिर वो यूनही से पूछता है कि क्या इन लोगों ने तुम्हें ब्रेड के लिए रुपए दिए थे। यूनही उसे बताती है कि उन लोगों ने उसे ब्रेड के लिए कितने पैसे दिए थे। ये सुनकर योंगजी उन लड़कियों को घूर कर देखता है, क्योंकि उन लोगों ने यूनही को बहुत कम रुपए दिए थे। ये देखकर एक लड़की कहती है कि मैं इसे बाकी रुपए देने ही वाली थी। योंगजी उन लड़कियों को यूनही को परेशान नहीं करने के लिए कहता है। फिर वो यूनही को रुपए देते हुए कहता है कि मैं ये सारी ब्रेड ले रहा हूँ। वो कहती है कि ये ब्रेड इतनी ज्यादा महंगी नहीं है। तो योंगजी कहता है कि बाकी रुपए तुम रख लो, क्योंकि तुम ब्रेड लेकर आई हो। और फिर वो चला जाता है। तभी यूबिन क्लास में आती है, तो वो बुली लड़कियों का ग्रुप यूबिन से बात करने के लिए आता है। वो लड़कियाँ यूबिन के सामने बहुत शरीफ बनकर रहती हैं। वो सब यूबिन की चापलूसी करती है। तभी योंगजी वहाँ आकर यूबिन से मस्ती करना शुरू कर देता है। वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं। वो यूबिन से पूछता है कि तुम्हें तुम्हारी मॉडलिंग की फीस मिली कि नहीं, तुम मुझे पार्टी कब दोगी। यूबिन उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें पार्टी क्यों दूं। ये सुनकर योंगजी कहता है, मैं तब से तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ जब से तुम्हारे बस 700 फॉलोअर्स थे, लेकिन अब फेमस होने के बाद तुम तो बदल गई हो, तुमने तो कंजूसी की हद ही पार कर दी। योंगजी को ब्रेड खाता देखकर यूबिन उससे ब्रेड मांगती है, लेकिन वो मना कर देता है। तभी हायुन यूबिन से स्कूल के बाद कैरियोके चलने के लिए पूछती है, तो यूबिन मान जाती है। उन लड़कियों का ग्रुप फिर से उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है। ये देखकर योंगजी उसे कहता है कि लगता है तुम अपना स्टारडम एंजॉय कर रही हो। फिर वो उन लड़कियों को देखकर यूबिन से कहता है कि तुम्हें अपने आसपास के लोगों के बारे में पता होना चाहिए। यूबिन पूछती है, क्यों, कुछ हुआ है क्या। वो कुछ कहे बिना चला जाता है। साइड से यूनही सोचती है कि योंगजी ने ये सब मेरे लिए किया। फिर जब योंगजी पानी पीकर हाथ धोता है, तो यूनही उसे हाथ पोछने के लिए अपना रुमाल देती है। फिर वो योंगजी को उसे उन बुरी लड़कियों से बचाने के लिए थैंक्स कहती है। वो मस्ती करते हुए कहता है कि मैंने तो ये सब ब्रेड खाने के लिए किया था। फिर वो यूनही से उसका फोन मांगता है। वो देखता है कि यूनही ने अपने वॉलपेपर में यूबिन की फोटो लगाई होती है। वो कहता है कि तुमने भी सबकी तरह इसकी फोटो लगाई है। यूनही कहती है कि वो बहुत सुंदर है। फिर योंगजी उसके फोन में अपना नंबर सेव करता है। ये देखकर यूनही चौंक कर उसे देखती है। अभी तक बात करते हुए उसने अपना सिर नीचे करा हुआ था। योंगजी कहता है कि पहली बार तुम मुझसे नजरें मिलाकर बात कर रही हो, वरना अभी तक तो मैंने हमेशा ही तुम्हें सिर झुकाए हुए देखा है। वो पूछती है कि तुमने अपना नंबर मुझे क्यों दिया है। योंगजी कहता है कि अगर वो लड़कियां फिर से तुम्हें बुली करे तो तुम मुझे बताना। फिर वो यूनही से मजाक करते हुए पूछता है कि क्या मैं तुम्हें रोज कॉल कर सकता हूँ। ये सुनकर यूनही चौंक जाती है। उसका रिएक्शन देखकर वो कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। फिर वो वहाँ से चला जाता है। घर में यूनही योंगजी के दिए नोट को देखती है और उससे हुई बातों को याद करके बहुत खुश होती है। नेक्स्ट डे उन बुली लड़कियों का ग्रुप फिर से उसे परेशान करता है। वो लड़कियां उसे कहती है कि क्या तुम योंगजी को पटाने की कोशिश कर रही हो। यूनही कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उसकी बातें नहीं सुनती है और उसे मारती भी है। वो लड़कियां कहती है कि तुम्हारी वजह से योंगजी भी बदनाम हो जाएगा, तो तुम उसके सामने बेचारी बनकर उसकी सिंपैथी पाने की कोशिश मत करना। फिर वो लड़कियां उसे धमकाकर वहां से चली जाती है। यूनही को याद आता है कि योंगजी ने ऐसी सिचुएशन में उसे कॉल करने के लिए कहा था।
लेकिन वो योंगजी को कॉल नहीं करती। वो उसे अपना ये वीक साइड नहीं दिखाना चाहती थी। बाद में वो दूर से योंगजी और यूबिन को क्लोजली बातें करते हुए देखती है। वो सोचती है कि योंगजी यूबिन को पसंद करता है। शाम को वो घर में योंगजी और यूबिन की फोटोज देखते हुए सोचती है कि ये दोनों ही असली कपल लगते हैं। वो विश करती है कि काश एक दिन के लिए, बस एक दिन के लिए मैं यूबिन बन पाती। और फिर ये सोचते सोचते वो सो जाती है। नेक्स्ट डे अलार्म सुनकर यूबिन की नींद खुलती है। वो सोचती है कि मैंने तो अलार्म लगाया ही नहीं था। फिर अपना रूम देखकर वो चौंकते हुए कहती है कि ये मैं कहाँ हूँ। उसे अपनी आवाज भी बदली बदली लगती है। अपने हाथों को देखकर वो और ज्यादा चौंक जाती है। वो उठकर शीशे में देखती है और अपना फेस देखकर वो चौंकते हुए कहती है कि ये तो यूबिन की बॉडी है। अगले सीन में हम यूनही को यूबिन के गाल खींचते हुए देखते हैं। यूनही कहती है कि सामने से देखने पर मेरा फेस ऐसा लगता है, लेकिन जब मैं शीशे में देखती थी तो मुझे मेरा फेस अलग लगता था। सारा मामला ये होता है कि यूनही और यूबिन की बॉडी आपस में एक्सचेंज हो चुकी होती है। यूनही ने कल रात जो विश मांगी थी वो सच हो जाती है, मतलब अब यूनही यूबिन बन चुकी है और यूबिन यूनही। यूनही उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मेरी विश की वजह से ये सब हुआ है। यूबिन कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी लाइफ भी बोरिंग चल रही थी तो मैंने भी ये विश मांगी थी कि काश मेरी लाइफ में भी कुछ धमाकेदार हो जाए। यूनही पूछती है कि क्या हमें अपने पेरेंट्स को ये सब बताना चाहिए कि हमारी सोल बदल चुकी है। यूबिन कहती है कि हमारी बात का कोई यकीन नहीं करेगा, हमारा फेस और आवाज तो पहले जैसी ही है, बस सोल ही एक्सचेंज हुई है। और अगर एक बार के लिए उन्होंने ये मान भी लिया तो सोचो उन्हें कितना दुख होगा। यूनही कहती है कि मेरे पेरेंट्स तो ये देखकर बेहोश हो जाएंगे कि उनकी बेटी इतनी सुंदर बन गई है। यूबिन उसे कहती है कि फिलहाल जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं, कुछ टाइम बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। यूनही उसे कहती है कि तुम बहुत पॉजिटिव लड़की हो। वो कहती है कि मैं रियलिटी को जल्दी एक्सेप्ट कर लेती हूँ। फिर वो यूनही को पास से घूरते हुए कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे बिना मेकअप के स्कूल नहीं जाने दूंगी। यूनही उसे बताती है कि मैंने पहले कभी मेकअप नहीं किया है। यूबिन कहती है कि मेरे घर में तो इस टाइम मेरी मॉम होगी। यूनही उसे कहती है कि मेरे घर में इस टाइम कोई नहीं होगा, लेकिन मेरे पास मेकअप का कोई सामान नहीं है। ये सुनकर यूबिन उसे अपने साथ लेकर मेकअप का सामान लेने जाती है। सामान लेने के बाद यूबिन उसे कहती है कि तुम्हें वैसे ही सब करना है जैसे मैं करूँगी। फिर वो यूनही को मेकअप करके दिखाती है और उसे देखकर यूनही भी वैसे ही करती है। अपनी रियल फेस को मेकअप में देखकर यूनही के होश उड़ जाते हैं। उसने इससे पहले कभी मेकअप नहीं किया था, लेकिन यूबिन ने उसके फेस को बहुत प्रीटी बना दिया था। फिर यूबिन उसे कहती है कि हम दोनों क्लोज फ्रेंड नहीं है तो हम साथ में क्लास में नहीं जा सकते, तो हमें अलग अलग क्लास में जाना पड़ेगा। यूनही अपनी टोन में बात करती है तो यूबिन उसे कहती है कि तुम मेरी बॉडी में रहकर ऐसी टोन में बात नहीं कर सकती हो, तो इस बात का ध्यान रखना। यूनही उसे उन बुली लड़कियों के गैंग से दूर रहने की सलाह देती है, लेकिन यूबिन स्कूल में जाकर सीधा उन बुली लड़कियों के गैंग के पास जाती है। वो लड़कियां उसका मजाक बनाने लगती हैं कि क्या मेकअप करने की वजह से तुम लेट हो गई हो। उनके लिए तो वो वही डरी सहमी और बेचारी यूनही थी। उनकी बातें सुनकर यूबिन को समझ आ जाता है कि क्यों योंगजी ने उसे अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देने के लिए कहा था। उनमें से एक लड़की उसे ब्रेड लाने के लिए कहती है। यूबिन कहती है क्या मैं तुम्हारी नौकर हूँ जो तुम्हारे कहने पर ब्रेड लेने जाऊँ। ये सुनकर वो लड़की यूबिन को मारने के लिए हाथ उठाती है तो यूबिन उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है। जब हायुन आगे आती है तो यूबिन उसके पैर पर मारकर उसे गिरा देती है। तीसरी लड़की तो डर के मारे अपना फेस छुपा लेती है, लेकिन यूबिन उसके पेट में पंच मारती है। इसके बाद यूबिन उन सबको धमकी देती है कि अगर फिर से तुमने यूनही मेरा मतलब मुझे परेशान किया तो मैं तुम सबकी टांगे तोड़ दूंगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ यूनही जब जा रही होती है तो योंगजी उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे मस्ती करने लगता है। लेकिन जब वो यूनही को ऐसे अजीब तरह से बात करते हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि ये लड़की यूबिन तो नहीं है। वो यूनही से पूछता है कि तुम कौन हो।
उधर युबिन बड़ी स्टाइल से चलती हुई अपनी क्लास की तरफ जाती है। सारे स्टूडेंट्स उसकी ब्यूटी को देखकर हैरान हो जाते हैं। उसी की क्लास के लड़के उसे देखकर आपस में बातें करते हैं कि ये लड़की कौन है, क्या पहले हमारे स्कूल में इतनी सुंदर लड़की थी भी, ये तो युबिन से भी ज्यादा क्यूट है। वो तीन उसे रोककर उससे फ्रेंडशिप करने के लिए कहते हुए पूछते हैं कि क्या तुम स्कूल में नई आई हो। जब वो बताती है कि मैं यूं ही हूँ तो ये सुनकर वो सब चौंक जाते हैं। उन लड़कों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। वो लड़के उसकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं और उससे उसका नंबर मांगते हैं। वो उन लोगों को अपना नंबर दे देती है और कहती है कि तुम लोगों को मेरे साथ अच्छे से रहना होगा। वो लड़के खुशी खुशी मान जाते हैं। क्लास में जाने पर योंगजे युनही के साथ आकर युबिन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। जब युबिन चली जाती है तो उन तीनों लड़कों को बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि योंगजे ने तो आते ही युनही पर हाथ मार लिया। दूसरा लड़का कहता है कि तुम्हारे पास तो पहले से युबिन है, कोई इतना लालची कैसे हो सकता है। तीसरा लड़का तो फ्रस्ट्रेटेड होकर चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें हमसे हमारी सारी खुशियां छीनकर खुशी मिलती है। उधर युबिन योंगजे की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, तुमने पहचान लिया कि हम दोनों की सोल बदल गई है। योंगजे कहता है कि हम दोनों ने साथ में बहुत सारे कांड किए हैं, तो तुम्हें पहचानना तो मेरे लिए बहुत आसान था। युनही कहती है कि ऐसे तो कोई और भी हमें पहचान सकता है। युबिन कहती है कि योंगजे के अलावा कोई और मुझे इतने अच्छे से नहीं जानता है। युनही पूछती है कि हमारी सोल फिर से कैसे बदलेगी। युबिन पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी जगह लेकर मजा नहीं आ रहा है। युनही कहती है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि मैं तुम्हारी बनी बनाई इमेज बिगाड़ दूंगी। युबिन कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या तुमने कभी नहीं सोचा था कि अगर तुम्हें किसी और की बॉडी मिल जाए तो तुम क्या क्या कर सकती हो। युनही पूछती है वैसे तुम क्या क्या करना चाहती हो। युबिन कहती है अब मैं बहुत सारे लड़कों से मिलकर उन्हें डेट करूंगी। योंगजे उसे डांटते हुए ऐसा करने से मना करता है, शायद वो युनही को पसंद करता है और वो नहीं चाहता कि युबिन युनही की बॉडी में रहकर किसी और लड़के को डेट करे। युबिन कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं युनही की बॉडी के साथ ये सब करूंगी, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। योंगजे कहता है अभी तो मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता हूँ क्योंकि तुम युनही की बॉडी में हो। युबिन उसे उकसाते हुए कहती है कि तुम मुझे हाथ लगा के तो देखो। वो दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़कर लड़ने लगते हैं और ये सीन बहुत फनी लगता है। युनही उन दोनों को रोकती है और कहती है हमें पहले अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। ये सुनकर योंगजे उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों ने कल क्या विश मांगी थी। युनही कहती है कि मैंने तो एक दिन के लिए युबिन बनने की विश मांगी थी। युबिन कहती है और मैंने एक दिन के लिए मेरी लाइफ में कुछ मजेदार हो ऐसी विश मांगी थी। ये सुनकर योंगजे कहता है कि देखना कल तुम दोनों फिर से पहले जैसी हो जाओगी। उन दोनों को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि मैं बहुत हैंडसम और समझदार हूँ, देखना कल सब ठीक हो जाएगा। और सच में नेक्स्ट डे सब पहले जैसा हो जाता है। लेकिन अब युनही और युबिन फ्रेंड्स बन चुकी होती हैं। लड़के उन्हें साथ में देखकर आहें भर रहे होते हैं। फिर जब वो लोग योंगजे को उन दोनों लड़कियों के साथ क्लोज हुआ देखते हैं तो उनके गुस्से का ज्वालामुखी फूट जाता है। वो लोग योंगजे को सबक सिखाने की ठान लेते हैं। बाद में बुली गैंग की लड़कियां आकर युनही से माफी मांगती है। उन्हें ऐसा देखकर युनही को बहुत हैरानी होती है। युबिन उसे कहती है कि अब ये तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगी। वो लड़कियां उन दोनों के लिए ब्रेड लाई होती हैं। तभी योंगजे वहां आता है और वो पूरी तरह से टूटा फूटा होता है। युनही पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। वो कहता है कि मुझे खुद पता नहीं चला कि क्या हुआ, अचानक से किसी ने पीछे से आकर मुझे मारना शुरू कर दिया, मैं तो उनके चेहरे तक नहीं देख पाया। युबिन कहती है कि जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। वो कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे ये लग रहा है कि मुझे ये चोटें तुम्हारी वजह से ही लगी हैं। और फिर वो उनकी ब्रेड लेकर भाग जाता है और युबिन भी उसके पीछे पीछे भागती है। और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।